हेलो जी, आप भी सोच रहे होंगे कि यार जो है ना अभी तक आंखें नहीं खुली और कैमरा खुल गया, इसके पीछे क्या कहानी, इतने सुबह सुबह कैसे उठ गया भाई, हमें बता दो। तो भाई इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, तो अभी चलते हैं उस स्टोरी की तरफ और डायरेक्ट मिलते हैं आपको बाइक पे और आगे की स्टोरी आपको बताते हैं कि आज की आवारागर्दी की कहानी है क्या आखिर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:03-4 हो रहे होंगे। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े। वैसे तो सुबह सुबह हम कहीं नहीं निकलते, लेकिन बड़ा ही ज़रूरी काम था मेरा जो है ना एन आई सी पिछले कोई 3-4 से एक्सपायर होया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया। और इसमें तो एक बर्न ये भी हुआ है कि मुझे जो है ना वो एक दफ़ा पार्सल सेंड करना था, और TCS वाले कहते हैं भाई आपका जो है ना वो NIC एक्सपायर है तो नहीं जाएगा। फिर मुझे मजबूरन किसी को कॉल करनी पड़ी, जो आया उसने ज़मानत दी कि भाई बंदा जेन्युइन है, पाकिस्तानी है, इसका पार्सल भेज दिया जाए। उसके बावजूद भी उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 गुजर गया, मैंने जो है ना अपना NIC नहीं बनवाया। और वजह कोई और नहीं है, सुस्ती। और ये भी है कि जब हम सो के उठते हैं तो दफ्तर सफ्तर बंद हो चुके होते हैं और नींद की कुर्बानी नहीं जा सकी। लेकिन आज हम सुबह सुबह सो के उठ गए और निकल पड़े, तो हमारा पहला NIC जो था वो एक्सपायर हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि हम इस फ़ानी दुनिया में एक दिहाई जो है ना वो कॉन्शियसली गुजार चुके हैं। अगर NIC 10 बाद एक्सपायर होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी उम्र जो है ना वो लगभग लगभग 28 हो गई है। तो अगर 18 साल को कंसिडर करें कि 18 साल में NIC बनता है, तो हम इस वक्त हो चुके हैं 28 के। वैसे वो एज तो हमारी ज़्यादा ही होगी है, लेकिन चलो हम कंसिडर करते हैं कि हम 28 के। तो पाकिस्तानी कोई भी गवर्नमेंट का काम होता बड़ी आसानी से नहीं होता यार। और नादरा वाला तो खैर ये इतनी टोपियां कराते हैं, इतनी टोपियां कराते हैं कि क्या बताऊँ कि कितनी टोपियां कराते हैं। लास्ट टाइम जब मेरा पाला पड़ा था नादरा वालों से, तो तब मैं अपना टर्की का वीज़ा लगवा रहा था। देखे मेरे मुँह से कैसे टर्की निकलता है, गरीबों की तरह तुर्की नहीं निकलता। तो जब टर्की का वीज़ा लगवा रहा था तब मेरा नादरा वालों से पाला पड़ा था, मुझे चाहिए थी FRC। और FRC अगर आपको नहीं पता तो वो FRC का मतलब क्या होता है, फैमिली रेजिडेंशियल ट्री या रेफरेंस ट्री, इस तरह करके कुछ बनता है। यानी कि उसमें पूरी फैमिली की डिटेल्स होती हैं कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, बहन कितने हैं, भाई कितने हैं, सारा कुछ ये वाली डिटेल होती है। तो वेरीफाई करते हैं कि नादरा वाले के यार भाई जेन्युइन पाकिस्तानी हैं या नहीं है। तो खैर तब भी इन्होंने मुझे इतनी टोपियाँ कराई नादरा वालों ने कि क्या बताऊँगा आपको। मुझे 3-4 इन्होंने वेस्ट किए, और 3-4 के बाद मुझे बोला कि यार ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, धमाका ले आओ, इसका शनाख्ती कार्ड ले आओ, उसका ले आओ, फलाना ले आओ। वो 3-4 में जब मैंने अरेंज किया तो जो मोहतरमा बैठी हुई थी उन्होंने जनाब क्या किया कि वो मेरी डिटेल ली नहीं और ऑनलाइन ना फिल करने लग गई। तो मैंने उनको बोला भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर लें, वैसे भी डाटा सिंक्रोनाइज़। कहता नहीं नहीं हम अपना टाइम बचाते हैं। मैंने कहा बांसुरी वाली अपने तो 2 बचाने के लिए मेरे 4 तूने ज़ाया कर दिए। तो वैसे भी मैं जो हूँ ना वो प्रेफर ये करता हूँ और सजेशन भी ये देता हूँ कि अगर आपका नादरा का कोई भी काम है तो सुबह सुबह बिल्कुल भी ना जाए। एक तो ये है कि सुबह सुबह रश काफ़ी होता है, और दूसरा यह है कि नादरा का कोई काम जो है ना जब पाकिस्तानी कोई भी काम टाइम पे नहीं होता तो आपका सुबह सुबह जो है ना मूड ख़राब होगा और आपका सारा दिन ख़राब होगा। और मुझे भी अभी उम्मीद यही है कि मेरा काम ये नहीं होगा, मुझे कोई ना कोई ये टोपी करा देंगे कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, इस तरह कोई कोई ना कोई कहानी ये लाजमी कराएंगे और दिन ज़ाया कराएंगे। लेकिन मैं फिर भी जो है ना आ गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कल भी आया था, और कल जब मैं आया था तो जुम्मे के बाद में आया था, और इनकी टाइमिंग थी तकरीबन 5 तक की। तो लेकिन ये है कि ये 2-2:30 ही जो है ना ऑफिस बंद और सारा कुछ गायब। फिर मैंने इनसे पूछा, वो साथ एक आधा ऑफिस खुला था आधा बंद था, मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है, कहते हैं जी कल खुलेगा, कल सुबह हफ्ते वाले दिन 9-2 तक की टाइमिंग है, आप आ जाइएगा। मैंने कहा चले यार सुबह आके देख लेंगे, अभी तो मैं सुबह सुबह जुट गया था। तो मैंने कहा चलो यार ये वाला काम निपटा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना इसकी वजह से 2-4 और फंसे हुए हैं।
NIC बनेगा, उसके बाद वो बाकी काम भी करेंगे। वो क्या है वो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंशियल है। तो वो आपको फिर बताएंगे जब हमारा NIC बन जाएगा, तभी हम तकरीबन अडयाला रोड की ट्रैफिक को काटते हुए पहुंचने ही वाले हैं नादरा के दफ्तर। और अगर टाइम पे काम हो गया तो फिर हम जो है ना यहीं से नाश्ता करने जाएंगे, यहीं से नाश्ता करने जाएंगे क्या, यहीं कहीं बैठ के नाश्ता वास्ता फेलेंगे। और अगर उम्मीद के एयर मुताबिक नहीं हुआ काम टाइम पे, जो कि इन्होंने कहानी कोई ना कोई करानी है, नाश्ता तो हम फिर भी करेंगे। तो लेकिन फिर भी हम दिल में एक आस लेके बैठते हैं कि चलो यार हमारा काम हो जाएगा टाइम पे, हमें टोपी नहीं कराएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाह वाह क्या शेर याद आ गया मुझे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लोग कहते हैं उम्मीद पे नहीं, क्या था, चलो खैर जो भी था, कहते हैं उम्मीद पे जीते हैं लोग, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं है। वाह 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 वाह, नादरा का दफ्तर मुझे नज़र आ गया, अगर बंदे ने जो है ना बगैरती ना की हुई हो तो। नादरा का दफ्तर आ गया है और खुला भी है। यार रवायत को बरकरार रखते हुए आधा पौना घंटा ज़ाया हुआ है, 3-4 रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है। मैं PTCL का बिल लेके आया था, कहते बिजली का बिल लेके आओ, और फिर मैंने एड्रेस चेंज करवाना था, उसके लिए इन्होंने अलग कहानी की है। तो कोई मसला नहीं है, मतलब हो गया एट दी एंड। भाई जान दुनिया चांद पे पहुंच के वापस आ गई है, ठीक है। लोग जो है ना वो नए सियारे जो है ना वो तलाश कर रहे हैं, नई गैलेक्सियों को ढूंढ रहे हैं, और इलॉन मस्क मार्स पे अपनी जो है ना वो कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा है। और हम 2022 में NIC बनवाने के लिए इस पेपर को जो है ना 22वें ग्रेड के अफसर से जो है ना अटेस्ट करवाने को 22वें ग्रेड का जो है ना अफसर ढूंढ रहे हैं। वाह वाह पाकिस्तान की कितनी तरक्की है यार, बंदा क्या करे यार। चलें जी, NIC का काम हो गया है, अभी हम जो है ना कोई नाश्ते का सीन करते हैं फिर घर जाते हैं। भाई एज यूजुअल जो है उन्होंने थोड़ा बहुत टोपियाँ शोपियाँ कराई, ये कर दो वो कर दो। A few hours later. चाय तैयार हो रही है। चलें जी नाश्ता हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो में। तो भाई अगर आपको लगता है ना कि काम स्मूथली हो गया, नहीं, जैसे ही मैं घर आया शाम को फिर मुझे कॉल है, शाम को नहीं गए 2:30 बजे मुझे कॉल है कि भाई जान आप जो है ना वो फलानी चीज़ नहीं दे के गए, आप वो दे के जाएँ, ठीक है, और आपको प्रोसेस जो है ना दोबारा शुरू होगा, वरना आपका प्रोसेस शुरू नहीं होगा। मैंने कहा यार क्या करे बंदा, इनका कुछ नहीं हो सकता। लोग डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं, पेपरलेस करेंसी हो गई है, लोग पेपरलेस हो रहे हैं, और इनको हर चीज़ में जो है ना अटेस्टेशन चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई जान, कुछ नहीं हो सकता।